नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। दो दिन में बॉलीवुड के दो सितारों ने दुनिया को कहा अलविदा। बीते दो दिन में बॉलीवुड की गलियारे काफी ज्यादा दुख भरे रहे हैं। बीते दिन इरफान खान के गुजर जाने के बाद आज ऋषि कपूर के दुनिया को अलविदा कहने की खबर सामने आई है। खबरों की माने तो ऋषि कपूर की तबीयत बीते दिन काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और वहीं आज सुबह ही उनके गुजरने की खबर सामने आई है, जिसकी जानकारी सबसे पहले बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके दी है। वहीं उसके बाद उनके भाई रणधीर कपूर ने भी बात की पुष्टि की है। वहीं बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेताओं ने भी ऋषि कपूर के जाने पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। बंद के बीच वापस घर जाएंगे अप्रवासी। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण हुए लॉकडाउन के कारण लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर, टूरिस्ट और स्टूडेंट्स जहां थे वहीं रह गए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन सभी को वापस घर भेजने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने बीते दिन नई गाइडलाइंस जारी करते हुए इन सभी माइग्रेंट्स को होम टाउन भेजने के लिए स्क्रीनिंग से लेकर राज्य सरकार को और केंद्र को सलाह दे दी है, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों में नोडल बॉडीज अपॉइंट करने, स्क्रीनिंग करने, इंटर स्टेट ट्रैवल करने के लिए बसों के परिचालन की अनुमति देने, साथ ही उन बसों का पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन करवाने के अलावा सीटिंग अरेंजमेंट के भी खास ध्यान रखने की अपील की है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने यात्रा करने वाले सभी को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की भी सलाह दी है। गृह मंत्रालय ने दिया संकेत, 4 मई से देश के कई जिलों में मिलेगी छूट। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण जहां एक तरफ सरकार ने बंद का ऐलान जारी किया था, वहीं बंद की अवधि खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय ने हाल ही में सभी आम नागरिकों को संकेत देते हुए कहा है कि 4 मई से नई गाइडलाइन के तहत कुछ जिलों में रियायत दी जाएगी, जिसके तहत गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने ट्वीट में कहा कि कोविड 19 की इस परीक्षा के लिए नए दिशा निर्देश 4 मई से प्रभावी हो जाएंगे, जो कई जिलों को काफी हद तक राहत देंगे। हालांकि गृह मंत्रालय ने बातों ही बातों में यह भी साफ कर दिया कि छूट सिर्फ उन्हीं इलाकों में दी जाएगी जो कोरोना प्रभावित नहीं पाए जाएंगे। वहीं गृह मंत्रालय ने बंद की स्थिति को लेकर बीते दिन व्यापक समीक्षा बैठक भी की है और साथ ही यह भी कहा है कि बंद की वजह से ही देश में कोरोना को इस हद तक रोकने में सफलता मिली है। राहुल गांधी, रघुराम राजन से अर्थव्यवस्था के गिरते स्तर को लेकर की चर्चा। कोविड 19 की वजह से पिछले एक महीने में बंद का माहौल जारी है। देश में सब कुछ बंद पड़ा है, लोग घरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं और यही कारण है कि अर्थव्यवस्था सड़कों पर आ गई है और जीडीपी की गति पूरी तरह से थम गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से चर्चा की है, जहां पर रघुराम राजन ने कहा कि इस वक्त गरीबों की मदद करना जरूरी है, जिसके लिए सरकार के करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का स्थापना बन सकता है, हम एक विभाजित समाज के साथ कहीं नहीं पहुंच सकते। रघुराम राजन ने आगे कहा कि आज स्वास्थ्य, नौकरी के लिए अच्छी व्यवस्था करने की जरूरत है। इसके लिए राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय समाज की व्यवस्था अमेरिकी समाज से काफी अलग है, ऐसे में सामाजिक बदलाव जरूरी है। वहीं हर राज्य की याचिका अलग तरीके की है। केंद्रीय कर्मचारियों का आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना हुआ अनिवार्य। केंद्र सरकार ने अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बीते दिन अपने अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने को कहा है। उनसे कहा गया है कि कार्यस्थल पर आने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि वह सुरक्षित है और कम प्रभावित श्रेणी में आते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि सभी कर्मचारी के बेहतर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को यह भी साफ कह दिया गया है कि सभी इस ऐप पर अपनी स्थिति एक बार चेक करने से परहेज न करें। यदि कर्मचारी हाल ही में किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, जिसके आधार पर ऐप पर उनकी स्थिति मध्यम या उच्च प्रभावित वाली दिखती है, तो उन्हें कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। उन्हें 14 दिनों के लिए खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। जब तक उनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हर नागरिक को इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की थी। कोविड 19 पॉजिटिव पत्रकार के संपर्क में आए थे कर्नाटक के मंत्री। कोविड 19 धीरे धीरे करके पत्रकारों को भी अपनी चपेट में ले रहा है और यही हाल है कोविड 19 से एक पॉजिटिव पत्रकार के संपर्क में कर्नाटक के मंत्री के आने की खबर सामने आई है, जिसके बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री समेत 4 मंत्रियों ने अपने आप सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। खबरों की माने तो जिन मंत्रियों ने खुद को आइसोलेट किया है, उनमें उप मुख्यमंत्री अश्वथ नारायण, गृह मंत्री बसवराज बोमई, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सुधाकर और टूरिज्म मिनिस्टर सीटी रवि शामिल है। वहीं आइसोलेशन में जाने के बाद इन मंत्रियों ने बताया कि वह एक स्थानीय टेलीविजन के वीडियो पत्रकार के संपर्क में आए थे, जिससे 24 अप्रैल को कोविड 19 पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। पत्रकार की मंत्रियों से मुलाकात 21 से 24 अप्रैल के बीच में हुई थी। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार के परिवार सहित 40 लोग संपर्क में आए थे, जिन्हें अब आइसोलेशन में डाल दिया गया है। वहीं कर्नाटक में कोविड 19 संक्रमित व्यक्तियों की बात करें तो अब यह आंकड़ा 532 पहुंच चुका है, जिनमें से 215 ठीक हो चुके हैं, जबकि 20 लोग की जान जा चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेष ट्रेन के परिचालन की दी सलाह। अप्रवासी लोगों के परिचालन को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते कुछ समय से काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसके तहत वह लगातार राजस्थान में फंसे सभी लोगों को उनके राज्य वापस भेजने की पहल को तेज कर रहे हैं। वहीं अब केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए फैसले का उन्होंने स्वागत करते हुए यह कहा है कि प्रवासियों को सकुशल उनके घर पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक व्यवस्थित एवं शुभम प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की थी, जिसमें बीते रात तक करीब
6,35,000 श्रमिकों एवं प्रवासियों ने अपना पंजीयन करवाया था। वहीं इन सभी के आवागमन के लिए विशेष ट्रेन के संचालन का भी उन्होंने सुझाव दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि लंबी दूरी को देखते हुए विशेष ट्रेन का संचालन किया जाना कामगारों के सुरक्षित घर लौटने का व्यावहारिक समाधान होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने अशोक गहलोत के इस मांग पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनफॉलो करने पर व्हाइट हाउस ने दी सफाई। बीते दिन व्हाइट हाउस ने जहां भारत द्वारा HCQ की खेप भेजने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारत के 5 वरिष्ठ प्रतिनिधियों को फॉलो करना शुरू किया था, वहीं बीते दिन व्हाइट हाउस ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया है, जिसकी खबर मीडिया में आने के बाद व्हाइट हाउस ने अपनी सफाई पेश की है, जिसके तहत व्हाइट हाउस का कहना है कि जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो उस वक्त व्हाइट हाउस की ओर से उन देशों के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को फॉलो किया जाता है। फरवरी के आखिरी वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तभी व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य ट्विटर हैंडल को फॉलो किया था। व्हाइट हाउस सिर्फ अमेरिकी सरकार से जुड़े ट्विटर हैंडल को फॉलो करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी देश में विजिट करने के दौरान उस देश के प्रमुख को फॉलो किया जाता है। यह एक रूटीन प्रोसेस है जिसे किसी को राजनीतिक रूप देने की जरूरत नहीं है। अमेज़न इंडिया ने रेलवे के साथ की साझेदारी। ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेज़न इंडिया ने बीते दिन कहा कि उसने भारतीय रेलवे के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत की है और देशव्यापी लॉकडाउन के बीच ग्राहकों तक तेजी से सामान पहुंचाने के लिए अपने परिचालन को 55 मार्गों तक बढ़ा दिया है। पिछले साल अमेज़न इंडिया ने 13 मार्गों पर शहरों के बीच ई कॉमर्स सामानों के परिवहन के लिए भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी की थी और कोलकाता तथा मुंबई में ग्राहकों के लिए सामान लेने के केंद्र भी बनाए थे। आरोग्य सेतु ऐप को अब मोबाइल में इनबिल्ट करने की तैयारी में है मोदी सरकार। कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बीते दिन सभी आम नागरिकों से बार बार आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की बात कही थी। वहीं अब खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐप को सभी मोबाइल फोन्स में इनबिल्ट करने की तैयारी करने का आदेश जारी किया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी है। उन्होंने कहा कि इससे आरोग्य सेतु ऐप को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, साथ ही कोविड-19 को रोकने में भी काफी मदद हासिल होगी और यही कारण है कि उन्होंने मोबाइल उत्पादक कंपनियों से हर मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को इनबिल्ट उपलब्ध करवाने के साथ ही फीचर फोन में भी इसकी सेवा देने का संभावना पर विचार विमर्श किया है। आज है रोहित शर्मा का जन्मदिन। भारतीय टीम के शानदार बल्लेबाज रोहित शर्मा का जन्मदिन है। रोहित शर्मा 30 अप्रैल 1987 को नागपुर में जन्मे थे, वहीं आज वह 33 साल के हो गए हैं। रोहित शर्मा ने मीडिया के मुख्य बल्लेबाजों में से एक है। पिछले कई सालों से वह सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें वह काफी सफल भी हुए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने साल 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा। उन्हें कई बार टीम के बाहर होना पड़ा था। कहा जाता था कि यह बल्लेबाज लगातार परफॉर्म नहीं करता है। उस वक्त रोहित को ओपनिंग भी नहीं मिली थी, मगर जब वह सलामी बल्लेबाज बने फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में शर्मा ने 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, साथ ही रोहित के खाते में कई विकेट भी दर्ज हुए हैं। आपको बता दें, 2 टेस्ट में रोहित ने 2 विकेट, वनडे में 8 और T20 इंटरनेशनल मैच में 1 विकेट चटके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ऋषि कपूर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा बेहतरीन नहीं है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।